नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अक्सर मिसाइलों के टेस्ट और उनकी लॉन्चिंग को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में जुटा हुआ है। वो अपने पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। नॉर्थ कोरिया ने अपने प्रतिद्वंदी देश पर हावी होने के लिए एक बार फिर से बड़ा टेस्ट कर इलाके में सनसनी मचा दी है। इस बार नॉर्थ कोरिया ने पहली न्यूक्लियर काउंटर अटैक ड्रिल कर इलाके में तनाव को कहीं ज्यादा बढ़ा दिया है। दावा है कि इस ड्रिल को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के निर्देशन में किया गया। न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि प्योंगयांग ने जवाबी हमले की स्थिति से निपटने के लिए परमाणु बलों का इस्तेमाल कर मिलिट्री एक्सरसाइज की है। नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन ने कई सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों से जापान के सागर में एक द्वीप की ओर मिसाइलों की बौछार कर दी। यह अभ्यास बीते सोमवार को आयोजित किया गया था। माना जा रहा है कि यह अभ्यास अमेरिका और दक्षिणी कोरियाई वायुसेना के बीच हुए वॉर एक्सरसाइज के जवाब में हुआ है। इसमें डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की ओर से एक नई सुपर लार्ज वॉरहेड क्रूज मिसाइल और एक नए प्रकार की एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का टेस्ट किया गया। KCNA ने खुलासा किया कि ड्रिल का मकसद पहली बार देश के परमाणु ट्रिगर कमांड और कंट्रोल सिस्टम का टेस्ट करना था, साथ ही देश के परमाणु बल की तुरंत पलटवार क्षमता को भी मजबूत करना था। अभ्यास में शामिल सैन्य इकाइयों ने एक काल्पनिक हालात को मानते हुए अपनी प्रतिक्रियाओं का संचालन किया। ये माना गया कि जब किसी हमले के जवाब में नॉर्थ कोरिया का उच्चतम स्तर का परमाणु संकट अलार्म किया जाता है, नकली परमाणु हथियारों के साथ मिसाइलों की गोलाबारी ने करीब 352 किलोमीटर दूर द्वीप के लक्ष्य पर सटीक हमला किया। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने अभ्यास के नतीजों पर बहुत संतुष्टि जताई है। वहीं अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इस लॉन्चिंग की निंदा की है। अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस सप्ताह बीजिंग की यात्रा करेंगे तो ये मुद्दा एजेंडे में होगा। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का कहना है कि उत्तर कोरिया ने कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। मिसाइलों को राजधानी प्योंगयांग से लॉन्च किया गया। बताया जा रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइलें करीब 300 किलोमीटर तक उड़ान भरने के बाद पानी में गिर गईं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के आक्रामक सैन्य अभ्यासों को काउंटर करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ये न्यूक्लियर ट्रिगर किया है। इस बीच प्योंगयांग ने अभ्यास को अपने दुश्मनों के लिए स्पष्ट चेतावनी संकेत करार दिया है। साथ ही उन पर सैन्य टकराव रॉकेट ऑपरेशन चलाने का आरोप लगाया है। KCNA ने दावा किया कि 26 अप्रैल तक चलने वाले अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई वायुसेना अभ्यास ने प्रतिदिन औसतन 100 उड़ानें भरी हैं। जबकि इसके बेहद उत्तेजक और आक्रामक स्वभाव को छिपाने की कोशिश भी नहीं की गई है।